नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम कद्दू की भरता बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कद्दू को मैंने इतने पतले पतले तरीके से काट रखे हैं यहाँ इसको, ताकि जल्दी से ये कुक हो जाए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। इसमें फर्स्ट में 2-3 लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्राई हो गए हैं, तो इसको निकाल देते हैं। अब इसी ऑयल में ही थोड़ा सा डालेंगे जीरा। अच्छी तरह से इसको क्रैकल होने देते हैं। ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी है, बस थोड़ा सा क्रैकल हो जाए। देखिए आवाज़ आना बंद हो गया है, तब हम इसको ये सारे जो कद्दू काट के रखे हैं उसको डाल लेना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। थोड़ा सा सॉल्ट बाद में हम एडजस्ट करके डाल भी सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको बिल्कुल पूरी तरह से कुक होने तक छोड़ देते हैं, जैसे कि हम इसको मैश कर सकें। इस तरह से इसको कुक करना है। अब इसको ढक्कन लगा के कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही पक गए हैं। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया था ठंडा होने के लिए। तो इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेते हैं। अब इसमें इसको मैश करेंगे। ये जो हमने फ्राई करके रखा था रेड चिली, इसको मैं एक ही डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ग्रीन चिली भी इसमें डालना है। तो इसलिए मैं इसमें बस एक ही मिर्ची डाल रही हूँ। इसको मिला के बस इसको मैश करना है। तो देखिए थोड़ा गर्म था, तो इसलिए मैंने स्पून से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी जो तड़का है उसकी तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। देखिए तड़के के लिए थोड़ा सा मैंने अनियन चॉप करके रखा था, और थोड़ी सी ग्रीन चिली, एक ग्रीन चिली का आधा, क्योंकि सब्जी का अमाउंट हमारे पास बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं डाल लूँ थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक। इसको भी इसको ऐसे रफली क्रश कर लेते हैं। जैसे अच्छी तरह से ये ऑयल में मिक्स हो जाए सारे फ्लेवर, तो हम डाल देंगे चॉप्ड ऑनियन और ग्रीन चिली जो थोड़ा सा रखा था उसको डाल देंगे। देखिए बढ़िया से फ्राई हो गए हमारे मसाले। अब ये जो हमारे मैश करके रखा था उसको डाल देंगे पम्पकिन। देखिए सारे कद्दू जो मैश करके रखा था हमने डाल दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा और मसाला ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा जीरा पाउडर, नॉर्मल जीरा पाउडर है, अब भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बस 1 मिनट से भी कम मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स करते हुए पका लिया है। अब गैस ऑफ कर देना है, और लास्ट को जितना हमारा अमाउंट है उसके लिए फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस ही काफ़ी है। दोस्तों, ये हमारा पम्पकिन का भरता रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब श्योर कर लें। थैंक यू।